हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, जय हिंद आप सभी को। तो दोस्तों थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज हमारी किस ट्रेन में जर्नी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे दक्षिण एक्सप्रेस में, जो कि हैदराबाद से निजामुद्दीन यानी दिल्ली के बीच में चलती है। कहने को ये ट्रेन थोड़ी स्लो है तेलंगाना और राजधानी के दुरंतों के मुकाबले, लेकिन इसके जो हॉल्ट्स हैं वो काफ़ी मज़ेदार है। ऑलमोस्ट हर जगह ये रुकते हुए जाती है। हैदराबाद से दिल्ली के बीच में ये 36 हॉल्ट लेती है, वही तेलंगाना 11 से 12 हॉल्ट लेती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, खूब मज़ा आने वाला है। इस वक्त हम हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। बेहद ही खूबसूरत से रेलवे स्टेशन है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी दक्षिण एक्सप्रेस को लगाया जा रहा है। तय समय के साथ हमारा डिपार्चर हैदराबाद डेक्कन नैम्पली से हो चुका है। ट्रेन को आज लालगुड़ा का वेब 7 कैरी कर रहा है ऑन द वे दिल्ली तक। रास्ते में इसका कोई रिवर्सल, कोई लोको चेंज नहीं होने वाला है। और अभी आप देख सकते हैं सामने ये डीजल इंजन, और ये देखिए एक चमचमाता सा न्यूली पीओच हुआ वेब 7। तय समय से 6 मिनट की देरी पे हमारी ट्रेन का आगमन इसके फर्स्ट हॉल्ट यानी सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। ये स्टेशन भी हैदराबाद का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनें निकलती हैं, जैसे राजधानी दुरंतो। आपने अगर मेरी दुरंतो की जर्नी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको इसके पूरे डिटेल में बताया होगा। तो फिलहाल मैं चाह रहा हूँ सोने, तो मिलते हैं आप सभी से सीधा सुबह, क्योंकि आज का दिन काफ़ी लंबा था। एक्चुअली मैं पहले से भी जर्नी करके आ रहा था, तो सीधे मिलते हैं सुबह आपसे जहाँ आप निकले। अभी हम आ चुके हैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के वरोरा रेलवे स्टेशन में। ब्रिटिश राज में ये शहर कोल माइनिंग सेंटर हुआ करता था और ये उस वक्त सेंट्रल प्रोविंसेस में आता था। हमारी ट्रेन की यहाँ टाइमिंग होगी 6:54 की थी। ट्रेन अपने समय से यहाँ तकरीबन 12 मिनट की डिले पे आई है, जो कि आगे मेकअप हो सकता है क्योंकि इसके रास्ते में कई सारे हॉल्ट्स थे जिसे मैं कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि वह 7 बज रहे हैं तो मैं सो गया था रात को 11:20 पे सिकंदराबाद से निकलते साथ ही। अभी आप सब देखेंगे सेवाग्राम का मोस्ट फेमस कर्व, जो कि सेवाग्राम स्टेशन से साउथ की तरफ पड़ता है। तो अभी हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं स्टेशन आने से पहले हमारी ट्रेन एक शार्प कर्व ले रही है। ये कर्व कह सकते हैं आप 90 डिग्री का है, यानी एक सी तरह का फॉर्मेशन बनाता है। और यहाँ पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन भी इस सेक्शन पे अगर आती है इस कर्व पे तो स्लो डाउन ही होती है। ऐसी कोई ट्रेन नहीं हुई जो इस ट्रेन को कर्व को थोड़ा तेज़ रफ्तार में निकाल दे। तो अभी हमारी दक्षिण एक्सप्रेस इस कर्व को नेगोशिएट कर रही है और आप इसको एंजॉय करिए। चुके हैं महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट के सेवाग्राम जंक्शन पे।
सेवाग्राम जंक्शन इसलिए है कि यहाँ से एक लाइन चली जाती है मुंबई की तरफ और दूसरी लाइन चली जाती है चेन्नई की तरफ। सेवाग्राम को मिड 90s तक वर्धा ईस्ट कहा जाता था क्योंकि पहले ट्रेनें सारी वर्धा जाया करती थी, फिर वहाँ उनका रिवर्सल होता था, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। तो उस टाइम कंज्यूम से हटाने के लिए ये सेवाग्राम जंक्शन बनाया गया, जिसे पहले कॉमनली वर्धा ईस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर बाद में इसे सेवाग्राम जंक्शन कर दिया गया। हमारे यहाँ ट्रेन की टाइमिंग थी 7:54, ट्रेन यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट लेगी। सेवाग्राम जंक्शन का एक ट्रिविया ये है, उसका आपने अभी देखा होगा उसका सी जैसा कर्व जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ फास्टेस्ट से फास्टेस्ट ट्रेनों को भी स्लो किया जाता था कि वो उस कर्व को नेगोशिएट कर पाए। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ की ऑरेंज बर्फी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रखे हैं, लेकिन वो जो स्टॉल है वो 2 और 3 नंबर पे होता है। तो हमारी ट्रेन यहाँ थोड़ी लेट है, ट्रेन का 9:20 पे अराइवल का टाइम था, अपने समय से ऑलमोस्ट 25 मिनट की देरी से यहाँ आई है। तो कोशिश करते हैं वहाँ जाके ऑरेंज बर्फी लें। हम ट्रैक के रास्ते से जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे, ताकि वहाँ जाके ऑरेंज बर्फी ले पाएँ। और एक वो हल्दीराम की छोटी सी थाली आती है ना 30 वाली, हाँ देना है। तो सो अभी हमने लिया 2 ऑरेंज बर्फी ये रही सामने, और एक ले रहे हैं थाली। कितने का भैया? 340। सो ये देखिए हमने ले लिया है 2 ऑरेंज बर्फी और एक ये हल्दीराम की थाली जिसका प्राइस हमें 30 रुपीज़ पड़ा है, और ऑरेंज बर्फी मैंने आधा किलो लिया है जिसका प्राइस हमें 310 रुपीज़ पड़ा है। जा
पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पांडुना रेलवे स्टेशन। पांडुना पड़ता है दो घाट सेक्शन के बीच में, एक छोटा सा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है घाट मार यानी पत्थर मारना, जो कि जाम नदी के किनारे मनाया जाता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है भाद्रपद के दूसरे दिन। यानी दो गांव, एक पांडुना गांव और एक सामने वाला गांव, दोनों नदी के किनारे मिलते हैं और एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं। हम आ चुके हैं बैतूल रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। हमारी ट्रेन की यहाँ टाइमिंग थी 12:03। ट्रेन अपने समय से तकरीबन 40 मिनट देरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होता है और यहाँ से 12:05 में वैसे एक्चुअल डिपार्ट होती है। अभी लेट हो रखी है। बैतूल फेमस है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे जैन्स लोगों के काफ़ी ज़्यादा वर्शिप प्लेस है और सब जैन धर्म के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र जगह मान सकते हैं हम बैतूल। वन की जर्नी दक्षिण एक्सप्रेस की हम यहीं बैतूल में समाप्त करते हैं। जल्द आपसे इसके पार्ट 2 की जर्नी।